हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु सिंगल। स्वागत है भाई आपका एक नए वीडियो में। आपको सामने दिख रहा होगा ये होंडा की चाबी, तो सामने आपको होंडा की गाड़ी भी दिख रही होगी। तो ये है भाई अपनी 2022 होंडा सिटी ZX वेरिएंट, जो इसका आपको टॉप वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो अभी आपको इसके सारे फीचर्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते पहले भाई इसकी इंजन बे में। तो इंजन बे के बारे में आपको बताऊँ तो मैं भाई हमें देखने को मिलता है, जैसे आपको सबको पता ही है, अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी आईवी टेक का मतलब आपको पता ही, वेरिएबल वेल्व टाइमिंग वगैरह जो भी है, ये हर कंपनी के पास होता है। इसको होंडा ने नाम दिया आईवी टेक। तो पहले जो होंडा सिटी आती थी ना भाई, उसमें भी 1.5 सीसी आता था, लेकिन इसमें भी 1.5 लीटर ही आता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि भाई जो पुरानी वाली सिटी थी ना, उसमें और डुअल ओवरहेड कैम नहीं था, इसमें डुअल ओवरहेड कैम इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि आपको भाई चार सिलेंडर तो है ही, उसके साथ आपको एफिशिएंसी और रिफायरमेंट इतनी देता है कि आपको अंदर कोई भी आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आती, ना कोई वाइब्रेशंस गाड़ी में। आप इसको यूँ लगा लो बजट सेगमेंट की रोल्स रॉयस कह सकते हो, कंफर्ट के मामले में आप एस क्लास को कुछ भी कहो। तो इतना इसका गाड़ी का इंजन से इसको वो मिल चुका है कि इसका जो नया इंजन है उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी है। तो बात करते हैं भाई इसकी गाड़ी के फ्रंट से एक बार। पहले बात करते हैं भाई इसकी चाबी की। तो इसकी चाबी में आपको तीन फीचर्स देखने को मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और आपका होल्ड करके रखो तो बूट खुल जाएगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं था भाई होंडा के लिए, होंडा एक स्टेप आगे चला गया। तो होंडा ने क्या करा कि भाई जो इसके विंडोज़ मिरर्स है ना, जो जैसे वॉक्सवैगन की गाड़ियों में आते थे, तो वो भी सारे जैसे हम अनलॉक करके रखते ना तो सारे रोल डाउन हो जाते थे। तो इसमें भी ये सिस्टम है, जैसे मैं एक बार आपको लॉक करके दिखाता हूँ, जैसे लॉक होगी गाड़ी, लॉक होगी और जैसे अनलॉक वाला प्रेस करके रखूँगा, ये देखो भाई जैसे इसमें बताया कि जैसे प्रेस करके रखते हैं अनलॉक का बटन, तो सारी विंडोज़ रोल डाउन हो जाती है अगर कोई दबा के रखना पड़ेगा। ये देखो भाई सारे विंडोज़ रोल अप हो गई थी। ये पहले के पोलो वगैरह में, वेंटो वगैरह में आपको देखने को मिलता था, लेकिन ये फीचर अब भाई होंडा सिटी भी दे दी है, अब किसी गाड़ी में नहीं है। अब तो जैसे आपको पता है नई वाली वर्टस वगैरह आई हैं, उनमें भी नहीं अब तो एक चीज़। तो मैं आपको एक बार फ्रंट से दिखाता हूँ ऐसा कुछ भाई। इसमें लाइटिंग सेटअप देखने को मिलता है, फुली LED आपको देखने को मिलती है। इसमें कोई भी बल्ब का यूज़ नहीं किया गया, जो आपकी हाई बीम लो बीम वगैरह जितनी भी है सारी आपको वो देखने को मिलती है LED। फोग लैम्प भी आपको इसमें LED देखने को मिलता है। तो भाई मैं ये पूछना चाहूँगा इसका थ्रो कैसा है? थ्रो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे धुंध के टाइम में भी हमको 100 से 200 मीटर तक बिल्कुल क्लियर दिखता था। 100 से 200 मीटर क्लियर, 100 से 200 मीटर तो भाई बहुत हो जाता है, बहुत क्लियर दिखता था हमको, सही दिखता बिल्कुल। तो मतलब भाई बढ़िया चीज़ दे रखी है इंडी। वो देखो जैसे आपने अभी देखे यहाँ पे इंडिकेटर जले होंगे, मैं आपको वीडियो ऐड कर दूंगा। तो इंडिकेटर भी भाई इसके जो है स्टैटिक फंक्शन में देखने को मिलेंगे। नीचे आपको इंडिकेटर है, ऊपर DRL है और बीच में आपकी 9 RA वाली इसकी वो है हेडलाइट। और बीच में ग्रिल की बात करें तो इतनी मोटी कुछ इसकी सिविक से रिजेम्बलेंस थोड़ी खाती हुई इसकी ग्रिल है। बीच में आपको बड़ा सा होंडा का लोगो, ये शायद भाई ने एक्सेसरी लगा रखी है यहाँ पे क्रोम की, और ये साइड में भाई क्रोम की एक्सेसरी लगा रखी है। टो हुक आपको यहाँ देखने को मिल रही है, इसकी साइड भी बीडिंग वगैरह जो भी आपको पता ही है सब। तो अब आ जाते भाई इसके साइड में। तो साइड में आगे आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे जो ORVM है इसके काफ़ी बड़े साइज़ के, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी इतनी बड़ी गाड़ी में आगे पीछे करने में, बढ़िया साइज़ के हैं। और इसके पेंट में आपको एक ध्यान से चीज़ दिख रही होगी, ये देखो भाई स्पार्कल्स हैं, तो इस पेंट को बोलते हैं भाई पर्ल वाइट पेंट है ये। तो ये चीज़ इसकी अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स और अच्छे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपकी जैसे पता है भाई जो इसकी चाबी है, अगर मैं अभी गाड़ी लॉक है और मेरे को अनलॉक करनी है ना, तो मेरे को यहाँ पे अनलॉक दबाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अगर अपना इसमें डोर हैंडल्स में अपना हाथ डालूंगा तो ये अपने आप अनलॉक हो जाती है, ये ऐसा कुछ इसमें फीचर है। और अगर हम इससे दूर चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अपने आप ही ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाएगी। देख भाई आपको दिख ही रहा होगा जैसे मिरर फोल्ड हो चुके हैं, तो ये लॉक हो चुके हैं। वेलकम फीचर आपको देती है गाड़ी कि आप अगर पास जाओगे, अगर दूर जाओगे तो आपके मिरर ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। कीलेस एंट्री इसमें दोनों साइड आपको देखने को मिलती है। तो विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ काफ़ी अच्छी इसकी देखने को मिलती है, बी पिलर और ये बीच वाला पिलर जो इसको कहते हैं बी पिलर, ये आपको ब्लैक देखने को मिलता है, मैट ब्लैक इसका कलर है। ए पिलर को भी ब्लैक नहीं दे रखा, ऊपर सनरूफ है, ये सनरूफ तो पता है आपको आजकल गाड़ी में आती है। क्रोम की लाइनिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है, सारे डोर हैंडल्स क्रोम के। 100 लाइन्स की इसमें हमें अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, बाकी अलॉय व्हील्स का अगर साइज़ देखने को मिलेगा ना अच्छे से तो वो दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि थोड़े मिट्टी में हो रखे हैं टायर। ये देखो भाई 185/55 R16 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स हैं, जो मतलब एवरेज के हिसाब से ठीक है, वैसे अपग्रेड करने चाहिए क्योंकि भाई थोड़ा 185 थोड़ा कम हो जाता है सेक्शन, वरना में भी पहले 195 आता था, अब तो खैर 205 आता आपको पता ही। जैसे पीछे की बात करें तो इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, फेक रिफ्लेक्टर्स का यहाँ पे आपको फिनिश देखने को मिल रही है। ये BMW वाली इसकी लाइट है, अगर जलेगी तो मैं दिखाता हूँ आपको, तो नहीं कहेंगे लेकिन BMW से इंस्पायर्ड जरूर है। यहाँ देखो भाई ये भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगती है इसकी, ब्रेक दबाओ भाई, ब्रेक दबाओगे तो यहाँ पे आपको LED यहाँ पे ब्रेक लाइट देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने को मिलता है, डीफोगर वगैरह सब कुछ मिलता है। पीछे से मैंने आपको दिखा दी, अगर आपको इसका बूट दिखाऊं
भाई बूट में आपको पता चल ही रहा होगा कितना सामान आ जाता है। बाकी जो बूट की कैरिंग कैपेसिटी है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी। और एक चीज़ अच्छी है, होंडा ने देखो सारा कुछ कवर कर रखा है। अगर आप ये नई किसी गाड़ी में देखोगे यहाँ पे कवर नहीं मिलता, ये बात मेरे को इनकी बहुत अच्छी लगी होंडा की। और एक चीज़ और इसमें खास है, अभी मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊंगा, इसका स्पेयर व्हील भाई इसका अलॉय देखने को मिलता है, वो भी फुल साइज टायर इसमें देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 40 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक हमें देखने को मिलता है। एक फीचर और अच्छा है, ये देखो यहाँ पे कैमरा दे रखा है, तो आप सोचोगे कि इसमें 360 डिग्री कैमरा है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, इसमें बहुत ही अच्छा फीचर दे रखा है, वो भी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। तो अंदर जाने से पहले भाई बात करते हैं इसके डोर की। तो डोर में एक खास बात है, जो इसकी जितनी भी पावर विंडो है ना भाई, सारी ऑटो अप डाउन है, सारी लोग आगे वाली देते हैं इसमें, लेकिन चारों, ये फीचर भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और डोर पॉकेट्स की बात करें तो जैसे भाई ने एक लीटर की बोतल डाल रखी है, वो है मैगजीन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो, सारा यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है सारा, और काफ़ी अच्छी फीचर देखने को मिलती है। और ये तो नॉर्मल फीचर्स आपको पता ही, मिरर फोल्ड वगैरह। अब चलते हैं भाई इसके अंदर, तो भाई एक बार स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी। तो आपको पता चल ही रहा होगा भाई गाड़ी में बिल्कुल ही आवाज़ नहीं, जैसे कि मैंने बताया पेट्रोल की गाड़ी है, और इसमें होंडा में तो आपको पता ही R3D टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है वो इसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब आवाज़ तो बिल्कुल है नहीं, रिफाइनमेंट इतनी ज़्यादा है। तो पहले बात करते हैं इसकी सनरूफ की। तो सिंगल टच में आप इसको देखो खोल सकते हो, बच्चों के लिए ठीक है, बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चलती गाड़ी में सनरूफ से निकलें, वो भाई आपके लिए भी रिस्की है और औरों के लिए भी रिस्की है, और जो आप जिसको निकाल रहे हो तो मतलब छोटे बच्चे निकल पाएंगे इसमें, बड़े तो नहीं निकलेंगे, उनके लिए भी बिल्कुल पूरा रिस्की है। तो बात कर सकिए भाई मीटर कंसोल की। सबसे पहले इसमें स्टेयरिंग की बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक इसमें आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और अगर आपको MID की ये ब्राइटनेस है एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, देखिए आपको यहाँ दिखेगा इसकी ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये फुली डिजिटल मीटर नहीं है इसका, हाफ डिजिटल हाफ मैनुअल मीटर है इसका, मैनुअल कह रहा हूँ, एनालॉग हाफ एनालॉग मीटर है और हाफ डिजिटल है, तो ऐसा कुछ आप मीटर देखने को मिलता है। नीचे आपको दिख रहा है इसमें कि फ्यूल गेज आपको देखने को मिल रहा है, अभी हाफ टंक है इसकी, क्रूज कंट्रोल वगैरह सारे फीचर हैं। हॉर्न की आवाज़ सुनाऊँ आपको, यह भाई कुछ इसकी हॉर्न की आवाज़ है। AC वेंट्स पे आपको देखो थोड़ी प्रीमियम फिनिश देने के लिए AC वेंट्स के अराउंड आपको सैटिन सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिल रही है, जिसको आपको देख मतलब प्लेजिंग सा लगेगा काफ़ी। AC कंट्रोल्स की बात करें तो इसमें भी ये नॉर्मल नहीं भाई, नर्ल्ड फिनिश के साथ दे रखें। नर्ल्ड आप कहोगे क्या चीज़ है, आप ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं नर्ल्ड, ये जो भाई टिक टिक की आवाज़ आती है इसको हम नर्ल्ड फिनिश बोलते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM इसमें हमें देखने को मिलता है, जो इनर की लाइट्स हैं वो सारी आपको LED वगैरह देखने को मिलती है, और ये डोर की आपको लाइट वगैरह ऑफ करनी हो तो यहाँ से हो जाता है। बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी, ऐसी गर्मी में सिटी का AC चाहिए। तो भाई एक चीज़ और अच्छी इसमें बेस मॉडल से, वो तो चीज़ अच्छी होगी, ये ऑब्वियस ही बात है, अगर आप बेस मॉडल दे रहे हो ऊपर के मॉडल में आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही कुछ फीचर यहाँ पे है, सॉफ्ट टच आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, वुडन फिनिश आपको इसमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, अगर आप दूर से देखोगे आपको पता नहीं चलेगा वुडन फिनिश है, लेकिन वुडन फिनिश इसकी अच्छी है। 8 इंच की इसमें आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, इसके फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते भाई हम MID की। तो इसमें जो जैसे अभी दिखा रहा है देखो, टायर प्रेशर लो दिखा रहा था, तो उसका मतलब भाई आपको इसमें TPMS भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, किसी टायर में हवा कम होगी तो आपको दिखा देगा किस में हवा कम होगी। तो अगर हम आपको टॉगल करना है तो यहाँ पे आपको इसके स्विच दे रखे हैं टॉगल करने के लिए, देखो ये आपको ट्रिप वगैरह सेट करनी होगी होम पे जाने के लिए वाला बटन, देखो जैसे रेंज फ्यूल टैकोमीटर का ऊपर है, यहाँ पे आप टैकोमीटर देख सकते हो, स्पीड टाइम देख सकते हो, जी मीटर देख सकते हो, तो जी मीटर देखने के लिए ये देखो, जैसे जी फोर्स आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है ये वो दिखाता है, जैसे एयरप्लेन्स वगैरह में आपने सुना होगा कि गाड़ी सीट पे पीछे चिपका देती है गाड़ियों में, कि पिकअप ज़्यादा है पीछे सीट पे चिपकोगे तो भाई जी फोर्स आपको महसूस करवाती है, वो जो आप पीछे सीट पे चिपकते हो ज़्यादा पिकअप में, तो जी फोर्स मीटर इसमें आपको देखने को मिलता है। सेटिंग इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टमाइज डिस्प्ले कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन इसमें टॉगल कर सकते हो आप। तो ये भाई इसके फीचर से, जैसे अब मान लो टैकोमीटर में जाते हैं तो आपको सिंपल आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि एनालॉग है, एनालॉग नहीं है भाई डिजिटल मीटर है, एनालॉग वाला इधर है जो मैं आपको बताता था, हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल ये कुछ है। अगर इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको देखो ब्लूटूथ ऑडियो है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें सब देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑडियो भी इसकी काफ़ी अच्छी है, एक बार चलाओगे भाई ऑडियो, ट्रैक सब कर दूंगी मुंह प्यार वाले बोल बोल कुछ ता सही।
तो भाई आपको इसमें जैसे मैंने आपको इसके फीचर्स दिखाए, फीचर्स तो इसमें क्या दिखाऊं, जो नॉर्मल आपके फीचर्स होते हैं हर स्क्रीन में इसको भी देखने को मिल जाएंगे आपको। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मैंने बताई दिया था, यहाँ पे कुछ आपका स्पेस है, पेन वगैरह रख तो भाई ने रख रखे हैं। कप होल्डर्स में आपको दो में देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैं बता रहा 6 एयरबैग इसमें आपको देखने को मिलते हैं, सेफ्टी फीचर्स है ये, टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिल जाता है, अगर इसको प्रेस करके रखेंगे व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट ऑफ हो जाएगा, मतलब आप अगर इसको भगाओगे तो आपकी टायर स्पिन बहुत ज़्यादा करेगी, अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखोगे तो ऐसा नहीं होगा। ABS, EBD वगैरह आपको सब बढ़िया देखने को मिलता है इसमें। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, लेकिन आजकल कोई करता नहीं है। टायर इन्फ्लेटर के लिए लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, और ये जो बीच वाली नोब है ना आपकी, इसकी ये देखता है कि आपको हवा कहाँ लगनी चाहिए वो बताता है। एक चीज़ और भाई, इसको हम मैं नाम दूंगा अटेंशन टू डिटेल, मतलब डिटेल पे अटेंशन दिए होंडा वालों ने। एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको रेड लाइट देखने को मिलती है, देखो जैसे रेड हो रहा है। अगर मैं इसको कूल करूँगा तो देखो भाई ब्लू लाइट, कूल ऑब्वियसली करेगा तो ब्लू लाइट दिखाएगा, लेकिन ये अच्छा फीचर है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्लो बॉक्स का इसका आपको साइज देखने को मिल जाता है। बाकी ये बात थी इसकी, तो आपको क्या लगता है भाई, गाड़ी पूरी होगी हमारी कवर? मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुकी है, मोस्ट ऑफ कंप्लीट गाड़ी बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि अंदर बाहर से मैंने आपको सब दिखा दिया है। तो भाई अगर आपको इस गाड़ी की रील्स वगैरह देखनी हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, भाई का इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ है भाई, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई के अकाउंट को फॉलो करना, हमें फॉलो करना, तो ऐसे ही साथ साथ भाई सारे ग्रो करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।